हर प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ खास बात होती है और इस प्रॉपर्टी की भी बहुत सारी खास बातें हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली खास बात यह है कि द्वारका मोड़ जैसी प्राइम लोकेशन पे आपको फ्लैट मिलने वाला है, द्वारका एक्सप्रेसवे से सिर्फ 1 किलोमीटर पे। जो ये प्रॉपर्टी रहने वाली है मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर पे रहने वाली है। रजिस्ट्री है, लिफ्ट है, कार पार्किंग है, सोसाइटी है जहां आपको 24/7 सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, सारी एमिनिटीज आपको पास में मिलेगी, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। यहां से आप द्वारका, नोएडा, गुड़गांव इजीली विदाउट एनी ट्रैफिक निकल सकते हो क्योंकि सिर्फ 1 किलोमीटर पे द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी डील्स आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं मोहित यादव, जनता होम से, सिनेमैटिक एंजॉय करो। रहने वाला है, लग्जरी रहने वाला है। जैसा कि आप यहां देख सकते हो 12 सीटर सोफा बहुत ही आराम से प्लेस किया हुआ है, बहुत ही लग्जरी है। और जो यहां पे हमने काम किया है वॉल्स पे, बहुत ही बढ़िया कंट्रास्ट का यहां पे काम किया हुआ है। जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही यूनिक कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। पीछे आपको थोड़ा टाइलिंग का वर्क, ग्लास का वर्क और पीओपी का डिजाइन मिल जाता है जस्ट आपके वॉल के पीछे। और अगर मैं यहाँ पे लिविंग स्पेस की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत लिविंग स्पेस के साथ सैंडलियर लगा रखा है, फैन लगा रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो पेंटिंग्स हमने लगा रखी है। डिजाइन जो हमने यहाँ पे किया हुआ है वॉल पे, वही गुड़गांव वाला काम किया हुआ है। अगर आपको और वीडियो देखने हमारे यहाँ की या गुड़गांव की तो आप हमारे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर तरह की आपको डील्स मिलेगी, बढ़िया प्रॉपर्टीज मिलेगी और साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पे टीवी पैनल। टीवी पैनल के साथ आपको यहाँ पे बना दिया है मंदिर का स्पेस। अगर मैं टीवी पैनल की बात करूं सबसे पहले, तो टीवी पैनल की अगर मैं बात करता हूं तो 55 इंच की, 65 इंच की एलसीडी आप आराम से प्लेस कर सकते हो। और फोर सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही यूनिक डिजाइन है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे फैंस भी लगाए हैं ना, बहुत ही यूनिक फैन है, नॉर्मल क्वालिटी वाले फैंस नहीं है। एक एक चीज आपको बताऊंगा वीडियो में, बने रहिएगा। इस साइड आप डाइनिंग का स्पेस बना सकते हो, इतना अच्छा खासा स्पेस बचता है कि आप
लिविंग प्लस डाइनिंग स्पेस दोनों आप बना सकते हो कंबाइन करके। और थोड़ा सा लेआउट समझा देता हूं। फर्स्ट बेडरूम हमारा इस साइड है, बालकनी के साथ अटैच है, एल कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तीन बालकनी रहने वाली है, तीन बेडरूम रहने वाले, बहुत ही स्पेसेस रहने वाले, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। इस साइड आपको किचन मिलती है पेंट्री वर्क के साथ, एक बेडरूम आपको इस साइड मिलेगा, एक बेडरूम इस साइड मिलेगा। तो सबसे पहले बेडरूम देख लेते, बालकनी के साथ अटैच है। अगर मैं बेडरूम की बात करूं, वही गुड़गांव वाला कॉन्सेप्ट है, किंग साइज का बेड, पीछे फोल्डिंग कवर, वुडन वर्क, साथ में आपको विंडो मिल जाती है, विंडो भी छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी विंडो मिल जाती है आपको साथ में वेंटिलेशन के लिए। और साथ ही अगर रेडी होना है आपको तो इस साइड हमने दे दिया, वही गुड़गांव वाला कॉन्सेप्ट यार, मिरर, हाफ मिरर जो चलता है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। सारे कंट्रोल्स आपको बेड के साइड में मिल जाएंगे, फैन वगैरह आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, फोर सीलिंग बहुत ही यूनिक है। साथ में अगर मैं वार्डरोब दिखाना चाहूँ तो वार्डरोब देख सकते हो, ग्लास का वर्क किया हुआ है वार्डरोब में भी, स्पेसियस वार्डरोब है, ग्लास का वर्क किया हुआ है वार्डरोब में, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। गुड़गांव वाला कॉन्सेप्ट लेके आए यहाँ पे, एसी की आपको इनबिल्ट फिटिंग्स मिलती है, कर्टेन्स वगैरह लगा रखी है। और बालकनी दिखा देता हूँ आपको, बालकनी में आपको टपन ग्लास का वर्क मिलेगा, वॉशिंग का स्पेस मिलेगा, एंड तक आपको टाइलिंग्स का वर्क मिलेगा, फोकस लाइट्स का वर्क है, बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। फ्रंट साइड है, एल कॉर्नर है यार, और क्या चाहिए, 30-30 फिट के रोड रहने वाले हैं। एक बार दोबारा से लिविंग दिखाओ यार, कितना बढ़िया काम किया हुआ है लिविंग में। अब आ चुके हैं अपने किचन में, जो कि वेंटिलेशन रहने वाला है किचन में। अगर मैं किचन की बात करूं, सबसे पहले देख सकते हो विंडो हमने दी है किचन में, सेंसर वाली चिमनी आपको लगा के दी है, पूरी यू टाइप में गुड़गांव वाली किचन तैयार करवाई है, सैंडलर लगा रखा है, और पूरा आप यहां से देख सकते हो ग्लास कवर किया हुआ है, और एंड तक आपको काम करके दे रहे हैं वुडन का, एंड तक ऊपर तक का काम किया हुआ है। और जो ड्रॉर्स दे रखे ना, सारे ब्रांडेड कंपनी के काम किए हुए हैं, हाइड्रोलिक है देख सकते हो, थोड़ा बहुत काम बाकी है अभी, ग्रेनाइट मार्बल हमने यूज किया हुआ है। इस साइड आपको पेंट्री बना के दे रहे हैं, और फिटिंग्स भी नॉर्मल नहीं, जैगवार कंपनी की आपको फिटिंग्स मिलती है। इस साइड आपको फ्रिज का स्पेस मिल जाता है, डेकोरेटेड आइटम्स रखने के लिए यहाँ पे शेल्स बनाए हैं, जो कि कलर अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे, मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही बढ़िया यूज किया हुआ है। अब आ गए वॉशरूम में, वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो स्पेसियस वॉशरूम रहने वाला है, एंड तक आपको टाइलिंग्स का वर्क मिलेगा, जैगवार कंपनी की आपको सारी ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेगी, एक एक चीज जो है सारी ब्रांडेड रहने वाली है। और उसके बाद हमने हैंड वॉश का एरिया बाहर ही दे दिया है, ताकि अगर डिनर वगैरह करते हैं आप लोग तो आपको वॉशरूम में जाने की जरूरत ना पड़े, आप बाहर ही आप हाथ वगैरह धो के फ्रेश वगैरह होना है तो आप यहीं से हो सकते हैं। तो अब आ गए अपने सेकंड बेडरूम, अगर मैं बेडरूम की बात करूं तो बहुत ही स्पेसियस है, किंग साइज का बेड है, पीछे पूरा वुडन का वर्क किया हुआ है, वुडन वर्क के साथ पीछे भी हमने यहाँ पे लाइटिंग का वर्क किया हुआ है, वार्डरोब यहाँ पे आपको मिल जाती है, वार्डरोब आपको बहुत ही स्पेसियस मिल जाती है, पूरी रूफ तक आपको वार्डरोब मिलती है। फोर सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो यूनिक फोर सीलिंग है, कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक किया हुआ है यहाँ पे, साथ ही बेड के बिल्कुल एडजेसेंट आपको टीवी पैनल मिलता है, जिसमें आपको पीवीसी का वर्क करके दिया हुआ है, जहां पे आप टीवी लगा सकते हो, और नीचे आप ड्रॉर्स देख सकते हो, बहुत ही सफिशियंट स्पेस रहने वाला है। इस साइड आपको स्पेस दे दिया ड्रेसिंग का, इस साइड ड्रेसिंग का स्पेस आ गया, यहाँ रेडी वगैरह हो सकते हो, विंडो हमने यहाँ पे दे दी है, इस साइड विंडो मिल जाएगी, साथ में वॉशरूम अटैच है, सारी सैनिटरी फिटिंग्स मिलेगी जैगवार कंपनी की, एंड तक टाइलिंग्स वगैरह के सारे पॉइंट्स है, गीजर वगैरह के जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे करवा रखे हैं, तो आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। किंग साइज के बेड के साथ पीछे भी आपको जो हमने पीओपी का डिजाइन दिया, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है।
अब दिखा रहा हूं आपको थर्ड बेडरूम। फर्स्ट बात कर लेते हैं बेड की। बेड की अगर मैं बात करूं तो किंग साइज का बेड है, फोल्डिंग का वर्क है, फोर सीलिंग बहुत ही प्यारी है, यूनिक कॉन्सेप्ट की फोर सीलिंग है। वार्डरोब आपको पूरी मिल जाती है यहाँ पे, आपको पूरी वार्डरोब मिल रही है आपको यहाँ पे, और बेड के बिल्कुल एडजेसेंट टीवी पैनल मिल जाता है जहां पे आप टीवी लगा सकते हो, और साथ ही स्टडी टेबल बना सकते हो यहाँ पे। इस साइड जो दिया हुआ है ये स्टडी टेबल दी हुई है यहाँ पे, डेकोरेट आइटम्स रखे हुए हैं, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है यहाँ पे। बालकनी दिखाता हूँ, कितनी स्पेसियस बालकनी है। बहुत ही बड़ी रनिंग बालकनी रहने वाली है जहां आपको प्रॉपर टाइलिंग का वर्क मिलेगा। मेन रोड की बिल्डिंग रहने वाली है, एंड तक टाइलिंग का वर्क है, नीचे वुडन टाइप फ्लोरिंग की हुई है, और इस साइड आपको टोपन ग्लास का वर्क मिल जाता है, और जो इसमें काम किया हुआ है ना सारा एक एक चीज ब्रांडेड है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। अंदर चल के मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ, तो आज ही एक बार अंदर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो प्राइसिंग बहुत ही रीजनेबल रहने वाली है। 130 गज का एल कॉर्नर का फ्लैट है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से हार्डली 100 मीटर है, लिफ्ट लोन रजिस्ट्री कार पार्किंग एवरीथिंग आपको इसमें मिलने वाला है। ऑलमोस्ट सोसाइटी है 700 गज के अप्रोक्स की। इसमें अगर किसी का कम बजट है, 2 BHK ढूंढ रहे हैं, 3 BHK ढूंढ रहे हैं, तो हर चीज इस बिल्डिंग में अवेलेबल है। प्राइसिंग इस बिल्डिंग में स्टार्ट हो जाती है सिर्फ 36 लाख रुपए से। और एल कॉर्नर इस फ्लैट की प्राइसिंग जानना चाहते हो तो क्या करना, आपको नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी को जड़ से मकान चाहिए, प्लॉट चाहिए, शॉप चाहिए और रेंटल इनकम के पर्पज से चाहिए, तो किसी भी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग आप हमें कॉल कर सकते हो, तो डील बहुत ही अच्छी आने वाली है बहुत ही जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिस मत करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाकाल।